हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आपका ऑनेस्ट प्रोडक्टिविज़ में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं श्रेया। और आज का वीडियो है फेस मास्क के रिव्यू पे। हम तीन तरह के फेस मास्क देखेंगे और उनका ऑनेस्ट रिव्यू देखेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं इस तरह के जो शील्ड बाज़ार में मिल रहे हैं, जो 100% फेस को प्रोटेक्ट करने का दावा कर रहे हैं। ये एक रेपुटेटेड कंपनी है जो बहुत अच्छे हेलमेट बनाते हैं, स्टील बर्ड, और जो फ्रंट का इसका शेप है ऑलमोस्ट हेलमेट के फ्रंट कवर जैसा है, उसी तरह की इसमें शेप दी गई है। इस तरह का ब्लैक इसके अंदर जो है इलास्टिक दिया हुआ है, जो छोटा बड़ा आसानी से हो जाता है। फ्रंट में स्पंज दिया है जो काफ़ी सख्त है और सर को पूरी तरह से जकड़ लेता है, यानी हवा उसके बाद बिल्कुल भी आती जाती नहीं है। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं लूप, इस तरह से यहाँ वेलक्रो लगाया गया है ताकि आपके सर में जो इसके बोल्ट हैं या जिनसे इन्हें टाइट किया गया है वो चुभे ना। बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है लेकिन स्क्रैच प्रूफ नहीं है। अब इसके ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं। जब आप इसे लगाते हैं तो आपका सर चारों तरफ से इलास्टिक से जकड़ जाता है और सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे लगता है 200 से 250 ग्राम वजन आपने सर पे लटका लिया है। साथ ही सब तरह से पैक होने की वजह से सांस आने में आपको बहुत दिक्कत आती है, और उसके बाद में भी हमें नोज़ पे तो प्रोटेक्शन लगाना ही पड़ता है, तो पूरा दिन लगा के रखने के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रॉपलेट वायरस के हवा में हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए यूज़फुल रहेगा। और अब बात कर लेते हैं कपड़ों से बने हुए फेस मास्क की। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसमें 3 लेयर है सूती कपड़े का, और ये इस तरह से बाज़ार में आसानी से मिल रहे हैं। 50 रुपये से स्टार्ट होते हैं। इसके बीच में एक पॉकेट है जिसमें आप आराम से एक फिल्टर लगा सकते हैं। अब इसका जो मुझे नुकसान समझ में आता वो ये है कि आप इसे जब लेके घर पे आते हैं तो कैरी वायरस को अगर प्रोटेक्शन नहीं हुआ है तो कैरी करेंगे, और ये कपड़ों के साथ धुल रहा है, सिंक में वायरस मरा है या नहीं मरा, या धोने वाले को इसे नहीं लग जाए, इस तरह के बहुत सारे इसके अंदर ड्रॉबैक हैं। फ़ायदा सिर्फ एक ही है कि एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और अब बारी है सर्जिकल फेस मास्क या डिस्पोजेबल फेस मास्क के बारे में डिस्कस करने का। इस तरह से आसानी से किसी भी स्टोर में मिल जाते हैं और इनमें 3 प्लाई करके या 3 लेयर करके इनको बेचा जाता है। तो चलिए खोल के देखते हैं कि इनकी 3 लेयर किस तरह की हैं और वो कैसी नज़र आती हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि जो तीनों लेयर्स हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं, यानी अलग अलग हैं। तो यानी जो अलग अलग हैं तो हवा को अलग अलग लेयर से फ़िल्टर होना पड़ता है, तो फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर। लेकिन क्या वाकई ये जो सर्जिकल जो मास्क आप ख़रीद रहे हैं सेफ़ हैं और बेस्ट हैं? तो ये तभी हम क्लियर कर पाएंगे जब हम किसी और से इसका कंपेयर करेंगे। और अभी एक फेस मास्क है जो FDA अप्रूव्ड है। मैं एक क्लियर करना चाहती हूँ कि इस वीडियो में आप जो भी प्रोडक्ट देख रहे हैं उसे मेरे परचेज़ किए हैं, स्पॉन्सरशिप या एडवर्टाइजमेंट नहीं है। इसके ऊपर लिखा है बैक्टीरिया फ्री है। और चलिए अब इसको खोल के देखते हैं। अब ये फेस मास्क उसी तरह का लग रहा है जो अभी हमने एक रिव्यू देखा है जो बगैर FDA अप्रूव्ड था। तो अब इसे काट के देख लेते हैं और फिर दोनों की लेयर्स का हम कंपेरिजन करते हैं। ये फर्स्ट लेयर है, मेरे जो अंगूठे के पास आप देख रहे हैं वो FDA अप्रूव्ड है, और उंगलियों की तरफ जो देख रहे हैं वो लोकल है बगैर किसी FDA अप्रूव्ड या अथॉरिटी के। दोनों को मैं जूम करके दिखाती हूँ तो आप डिफरेंस नोटिस करेंगे कि जो FDA अप्रूव्ड है उसके अंदर जो थ्रेडिंग है वो पास पास है, यानी काफ़ी क्लोज है, लेकिन जो दूसरा वाला है उसमें दूर दूर है, यानी कि दोनों की जो थ्रेडिंग है उसमें डिफरेंस है, डेंसिटी में डिफरेंस है। अब हम दूसरा देख लेते हैं। इसमें तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। जो FDA अप्रूव्ड है वो बहुत घना और काफ़ी सारे लेयर्स आपको दिख रही हैं, लेकिन जो दूसरा है उसमें आप देख पा रहे हैं बहुत पतला है। अब देख लेते हैं टॉप मोस्ट लेयर, तो आप देख पा रहे हैं कि मेरी उंगलियां जो हैं इसमें से आपको कितनी साफ नज़र आ रही हैं। और अब हम दूसरा देख लेते हैं कि उसमें से आपको कितना दिख रहा है, तो यानी एयर और साथ में लाइट कितना उसके अंदर से पास हो रही है। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि जो फेस मास्क सर्जिकल भी बाज़ार में बिक रहे हैं 3 प्लाई करके, उनमें भी कितना डिफरेंस है। यानी अगर हम कंपेयर करें तो एक सर्जिकल मास्क जो FDA अप्रूव्ड है उससे अगर बगैर FDA अप्रूव्ड आप सर्जिकल मास्क बना रहे हैं तो 2 से 3 सर्जिकल मास्क आसानी से बन जाते हैं, जबकि कॉस्टिंग आपको सेम पड़ती है।
तो कोरोना से इस समय जो बचाव का एक महत्वपूर्ण टूल है वो फेस मास्क है। तो उम्मीद है कि जो आज हमने रिव्यू के अंदर टिप्स देखे हैं, तो उसके बाद में जब मास्क खरीदेंगे तो ध्यान रखेंगे कि आपको FDA अप्रूव्ड खरीदना है, क्योंकि FDA अप्रूव्ड अगर आप फेस मास्क खरीदते हैं तो आपको प्रोटेक्शन की अच्छी गारंटी देता है इन कंपैरिजन टू नॉन FDA अप्रूव्ड। उम्मीद है वीडियो पसंद आया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलूँगी नए रिव्यूज़ के साथ। अपना ध्यान रखें, सुंदर लगे, स्वस्थ रहें। टेक केयर, बाय।